प्रतिकूल वातावरण में लगातार टीकाकरण कर रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर के स्वास्थ्यकर्मी। दिनांक 23 अगस्त दिन सोमवार, समाचार के साथ मैं मनीष कुमार झा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोविंदपुर जो लगातार मानव हित में टीकाकरण कर रही है, उसके कर्मी के पास एक पंखा तक नहीं है। कोरोना का टीका लेने आए लोग लाख समझाने के बाद भी टेबल को घेर कर खड़ा हो जाते हैं, जिसमें उन्हें परेशानी होती है। इसकी जानकारी उन लोगों ने अपने से ऊंचे अधिकारी को दिए, परंतु आज तक वहां व्यवस्था नहीं हो पाया। अब समझने वाली बात यह है कि जहां स्वास्थ्य कर्मी की पूजा की जाती हो, आरती उतारी जा रही हो, प्रधानमंत्री स्वयं जिसका प्रशंसा करते हुए उन्हें सभी सुविधाएं प्रदान करने का बात कर रहा हो, वहां स्वास्थ्य कर्मी इस तरह परेशानी से जूझ रहा हो, तो क्या यह सही है? संबंधित अधिकारी को चाहिए कि इन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध कराएं, जिससे टीकाकरण के कार्य में और गति हो सके। क्या था इनकी परेशानी, सुनिए इन्हीं की जुबानी। क्या परेशानी फेस कर रहे हैं आप यहाँ? परेशानी तो सर ऐसे जनरली ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ एक फैन की व्यवस्था हो जाती तो बढ़िया होता, हम लोग गर्मी में ऐसे काम करना पड़ रहा है। कोरोना को लेकर क्या सुरक्षा का इंतजाम किया गया है? सुरक्षा का इंतजाम देखिए, जनरली जो है वो हम लोग ठीक है, एक पाँच पाँच आदमी करके हम लोग घुसाते हैं अंदर। आदमी टोकन सिस्टम, सुबह से ही टोकन इन लोगों को काट के दे दिया जाता है, जो हमारे पास स्लॉट रहता है, पांच आदमी करके हम लोग नंबर से घुसाते हैं। वैक्सीनेशन के बाद ऑब्जर्वेशन रूम में बिठाते हैं, फिर पांच आदमी घुसाते हैं, इसी तरह करके हम लोग यहाँ वैक्सीनेशन सेंटर चलते हैं। यहाँ जो असुविधा है, क्या इसकी जानकारी प्रभारी को दी गई है? प्रभारी को तो सर हम अभी डायरेक्टली बोले नहीं है, लेकिन हमारे जो BPM सर हैं उनसे हम बात किए हुए हैं, बोले हो जाए।